आज हमारे साथ मौजूद हैं दहली सादात के मेन एक्टिव मेंबर्स शानदार अख्तर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके ग्रुप की क्या क्या प्लानिंग्स हैं आगे और आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए। देखिए, ये जो हमारा दहली सादात ग्रुप है, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और जब ये व्हाट्सएप ग्रुप बना था तो बहुत कम लोग थे। हमने इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई और आज हम व्हाट्सएप से फेसबुक और फेसबुक से यूट्यूब पर आ गए हैं, और हमारे सब्सक्राइबर भी डेली अगर आप देखें तो उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ती चली जा रही है। ग्रुप का खाली मेन मकसद हमारा है, जो हमारे सेक्टर हैं, तीन सेक्टर मेन सेक्टर हैं हमारे, एजुकेशन, हेल्थ और पॉवर्टी, जिसमें हम काम कर रहे हैं। और सबसे मेन मकसद हमारा है, नौगावा सादात में हेल्थ सेक्टर पे कोई वर्क नहीं होता है, आज से पहले भी कोई वर्क नहीं हुआ है। तो हम अब जो मेन हमारा टारगेट है कि किसी तरह से यहाँ पे बीमारियों को कम करना है, अच्छे डॉक्टर्स को लाके एक मैसेज पहुँचाना है कि दिल्ली सादात के जो एजुकेटेड बंदे हैं वो कुछ वर्क कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि ग्रुप बना के उसको छोड़ देना है, हम आगे भी इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं और हमें सपोर्ट भी मिल रहा है। जो हमारी कनेक्टिविटी बन रही है वो उससे एक अच्छा मैसेज पहुँच रहा है और सब आवाम इससे बहुत खुश है, और बहुत सारे जिन लोगों को इसकी सर्विस मिल रही है वो हमें एक अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हमारा जो सेकेंड टारगेट होगा वो एजुकेशन पर होगा, क्योंकि मोस्टली सभी एजुकेशन की तरफ देखते हैं और एजुकेशन सबसे पहले है, तो इसीलिए हम एजुकेशन को भी एक टारगेट बना रहे हैं। और हम सर्च आउट कर रहे हैं अपने नौगावा में जो बच्चे जिनका एक्यूरेसी रिजल्ट में 90 अबव जा रही है और वो फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम उनकी फ़ीस का भी जो है इंतज़ाम करके दिल्ली सादात ये मैसेज देना चाहता है कि हम एक पढ़े लिखे ग्रुप हैं तो हम इस एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बेसिकली जैसे आपने एजुकेशन के बारे में बताया, तो मुझे आप पॉवर्टी के बारे में बताइए, पॉवर्टी सेक्टर में आप क्या करना चाहते हैं? पॉवर्टी सेक्टर में जैसे कि अभी हमने जो फर्स्ट कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था उसमें हमने जो है राशन बांटकर, जिसमें खाली हमारे ग्रुप की सपोर्ट थी, उन गरीबों को हमने घर घर राशन पहुँचाया, तो वो फॉर हमारा पहला स्टेप था। अब आगे भी जैसे कि जो अभी थर्ड वेव का चल रहा है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी भी गरीब को होती है हमारे नौगावा सादात में और आउट ऑफ नौगावा में भी, तो हम वहाँ राशन पहुँचा रहे हैं, और जैसे भी जिसको भी जो भी मदद हो रही है ये ग्रुप कर रहा है। इसमें किसी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ग्रुप के 257 मेंबर्स हैं उनका ही कंट्रीब्यूशन होता है, और माशाल्लाह से हमारे पास अभी 157 वेटिंग में है। तो हम अभी ये कर रहे हैं कि जो हमारे नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं कि वो भी एक्टिव रहें, और जो वेटिंग में है उनको भी किसी तरीके से ग्रुप की लिमिट बढ़ा के हम एक कम्युनिटी को अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं कि आइए आप इस ग्रुप से जुड़िए। और ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया 257 मेंबर्स हैं, और तो फिर यहाँ आउट ऑफ इंडिया भी हैं या फिर ओनली इंडिया में हैं, या फिर कहाँ कहाँ से मेंबर्स यहाँ पर ऐड हैं? देखिए, ये दहली सादात में जितने भी मेंबर हैं 257, इसमें यही नहीं है कि सब नौगावा में हैं, कुछ लोग गल्फ कंट्रीज से हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ से भी हैं, और बहुत सारी मुख्तलिफ कंट्रीज़ से हैं। तो हमारी कनेक्टिविटी इसीलिए बेटर होती जा रही है कि हम इस पूरे ग्लोब को एक छोटे से ग्रुप में जोड़ते चले जा रहे हैं, और सब लोग जो हैं एजुकेटेड हैं और डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से भी हैं सारे लोग, तो इस वजह से हमारा एक पॉजिटिव मैसेज निकल गया। रहा शुक्रिया। आज हमारे साथ ये मौजूद थे शानदार अख्तर। आज हम पहुँचे हैं, यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी एजुकेशन से रिलेटेड, हमारा मेन फोकस एजुकेशन के ऊपर है, और जो भी नौगावा सादात और नौगावा सादात के आसपास के एरियाज़ के बच्चे हैं जो एजुकेशन फीस की वजह से या किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसकी एक मुहिम दिल्ली सादात में चलाई है जो बच्चों को सपोर्ट कर रहा है। उसी के बिहाफ पर हम एस एम इंटर कॉलेज में पहुँचे हैं, और एक दो बच्चे जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई हैं उनके एडमिशन से रिलेटेड और उनकी फ़ीस से रिलेटेड हम एस एम इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। और हमारा टारगेट यह है कि किसी भी बच्चे की एजुकेशन नहीं रुके, और जो भी बच्चे हैं वो एजुकेशन यहाँ से लेकर एक अच्छा मुस्तकबिल बनाए, यही दिल्ली सादात की मुहिम है और आगे भी जारी रहेगी। तो मैं इस वीडियो से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारे ग्रुप के मेम्बर्स हैं और जो भी नौगावा सादात के लोग हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो इस मुहिम में हमारा साथ हिस्सा बने और हमारे लिए सपोर्ट भी करें और आगे भी आए, जिससे एजुकेशन कहीं भी किसी भी इलाके की रुक नहीं पाए और बच्चे की तरक्की रुक नहीं पाए।